टोनी स्टार एके आयरन मैन आज भी इस कैरेक्टर की फैन फॉलोइंग एमसीयू में काफी ज्यादा है और आज भी हम जैसे फैंस टोनी स्टार को एमसीयू में मिस करते हैं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर टोनी स्टार यानी आयरन मैन एमसीयू में हमें कब देखने को मिल सकता है। तो अगर मेरी तरह तुम भी आयरन मैन के बहुत बड़े वाले फैन हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अभी हाल ही में एक न्यूज आया है कि मार्वल नेक्स्ट ईयर यानी पेज 5 के लिए क्वालिटी पे फोकस करने वाली है, क्योंकि पेज 4 में काफी सारी मूवी और सीरीज थी जो कि फैंस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ले सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है, नहीं मेरी गलती है। तो इसीलिए मार्वल पेज 5 को अब अच्छे से बनाएंगे। और जैसा कि तुम्हें मालूम ही होगा कि आर्मर वॉर्स नाम की मार्वल की एक सीरीज आने वाली थी जिसमें अपने रूडी को दिखाया जाता और उनकी स्टोरी कंटिन्यू होती, लेकिन बाद में मार्वल ने उसे एक सीरीज से हटाकर एक मूवी बनाने का फैसला किया, क्योंकि उनके पास आर्मर वॉर्स सीरीज को लेकर काफी सारे प्लान है। मतलब कि अब हमें एमसीयू पेज 6 में आर्मर वॉर्स नाम की एक मूवी देखने को मिलेगा और इस मूवी में हमें आयरन मैन से रिलेटेड काफी कुछ देखने को मिलेगा। और इस मूवी के प्लॉट को लेकर ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें टोनी स्टार का जो टेक्नोलॉजी होगा वो किसी गलत हाथों में चला जाएगा और उसके बाद रोडी आयरन मैन सूट का यूज करके उनको रोकेंगे। मतलब कि इस मूवी में स्टार्क इंडस्ट्री से रिलेटेड काफी कुछ चीजों को दिखाया जाएगा जिनका यूज इस मूवी में होने वाला है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें हमें टोनी स्टार को भी दिखाया जाएगा, मतलब डायरेक्टली नहीं बल्कि इस मूवी में टोनी स्टार के कुछ पुराने फोटोज को यूज किया जाएगा। और इस मूवी में टोनी स्टार के जाने के बाद क्या हुआ और रोडी ने सबको कैसे संभाला और स्टार्क इंडस्ट्री के साथ क्या हुआ ये भी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। प्लस इस मूवी के अंदर शायद हमें टोनी स्टार की बेटी मॉर्गन स्टार को दिखाया जाएगा जो कि शायद अगली आयरन मैन बनेगी। तो ये बात होता है कि इस मूवी में हमें आयरन मैन से रिलेटेड काफी कुछ देखने को मिलेगा। और ऐसे भी रूमर्स आ रहे हैं कि आयरन हार्ट जो सीरीज आने वाली है उस सीरीज में टोनी स्टार को AI फॉर्म में दिखाया जा सकता है, क्योंकि कॉमिक में भी टोनी स्टार को आयरन हार्ट सीरीज के अंदर AI फॉर्म में ही दिखाया जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आयरन हार्ट में टोनी स्टार देखने को मिल जाए। और अगर टोनी स्टार यहाँ भी देखने को नहीं मिला तो टोनी स्टार यानी आयरन मैन सीक्रेट वॉर्स मूवी में अपेयर होगा, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स मूवी में हमें सभी एवेंजर्स के वेरिएंट्स को दिखाया जाएगा जो कि किसी दूसरे यूनिवर्स से होंगे और कैंग को रोकने के लिए अपने यूनिवर्स में आएंगे। पर ऐसे भी रूमर्स आ रहे हैं कि डिज्नी ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को सीक्रेट वॉर्स मूवी के लिए अप्रोच किया है। मतलब कि मार्वल के पास सीक्रेट वॉर्स मूवी को लेकर काफी सारे प्लान है और उन प्लान में आयरन मैन भी आता है। तो ये तो होता ही है कि सीक्रेट वॉर्स मूवी में हमें आयरन मैन को दिखाया जाएगा और सिर्फ आयरन मैन को ही नहीं बल्कि मार्वल के कई सारे सुपर हीरोज इस मूवी में अपेयर करने वाले हैं। और जो आयरन मैन हमें सीक्रेट वॉर्स मूवी में दिखाया जाएगा वो शायद सुपीरियर आयरन मैन होगा। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि सुपीरियर आयरन मैन को टॉम क्रूज प्ले करने वाले हैं। वैसे तुम किसे सीक्रेट वॉर्स में आयरन मैन रोल के लिए देखना चाहते हो, रॉबर्ट डाउनी जूनियर या टॉम क्रूज, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम्हारे पास कोई यूनिक सी थ्योरी है आयरन मैन रिटर्न को लेकर तो वो भी मुझे कमेंट में बता देना। तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करता हूं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करो और अगर तुम चाहते हो कि मैं और वैसे वीडियो बनाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टिल देन गुड बाय।